ठीक इसको उल्हासनगरामध्ये एक भाषण झालं आणि त्या भाषणानंतर ठाण्यामध्ये सिंधी समाजाकडून तुमचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आणि आता त्या वक्त्यावरून गुन्हा देखील नोंद झालेला उल्हासनगरामध्ये. काय स्पष्टीकरण द्याल याच्यावरती, काय विधान होतं? असं आहे की मी भाषण केलं आणि मी एक वाक्य बोललो कि 100 जंगली कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, हे गया. त्याचा एडिट करून मॉर्फ करून हा व्हिडिओ चाडवण्यात आला, हा सगळीकडे पसरवण्यात आला, माझ्या विरुद्ध सिंधी समाजामध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मला माहित नाही हे कोणी केलं, पण केस ज्यांनी केली त्यांना हा व्हिडिओ आणला कुठनं? त्यांनी पोलीस कधीच चौकशी करणार नाही का, सत्याची परीक्षा घेणार की नाही की बाबा आम्ही तपासतो व्हिडिओ? तिथे टेपिंग करणारे हजारो लोक पत्रकार उपस्थित होते, त्यांनी पहिल्याच दिवशी चालवला असता ना. जर मी असं काही वेडवाकडं बोललो असतो त्यांनी पहिल्या दिवशीच चालवलं असता. हा दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी व्हिडिओ निघतो आणि अख्ख्या गावभर प्रसारित होतो आणि पोलीस चौकशी करत नाही आणि गुन्हा नोंदवून टाकतात. मी फक्त पप्पू कलानी यांच्या घरात जातो आणि पप्पू कलानीच्या आशीर्वादाने आम्ही पुढची उल्हासनगर महानगरपालिका आम्ही जिंकणार आहोत. आमचा महापौर बसणार आहे, उल्हासनगरची सीट देखील राष्ट्रवादी जिंकणार आहे, एवढं स्पष्ट बोलतोय मी. ही काय पद्धत आहे ठाण्यामध्ये? म्हणजे पोलिसांनी तपासच करायचा नाही? वरनं फोन आला टाक केस, वरनं फोन आला टाक केस. आणि मी तर म्हणजे त्यांचं गिरायकच झालोय. जितेंद्र आव्हाडला त्रास द्या, त्रास देऊन राजकारणात काय होत नाही. हो झाले ना, उघडे पडले ना, आखे कपडे कपडे निघाले, नागडे झाले ना आता सगळेच. काल मीटिंग घेऊन आले लांडगे साहेब, शिवसेने ते शिंदे साहेबांच्या जवळचे लांडगे साहेब आहेत ना, ते काल उल्हासनगर मध्ये जाऊन मोठी मीटिंग घेऊन आले जितेंद्र आव्हाडांविरुद्ध असं करू. काल ठाण्यामध्ये मीटिंग घेतली जितेंद्र आव्हाडांविरुद्ध असं करू. लांडगे साहेब माझे चांगले मित्र आहेत, मला माहिती आहे त्यांचा स्वभाव तसा नाही आहे आणि ते कोणाच्या दबावाखाली गेले हे पण मला नाव माहिती आहे. ज्या बचखंड्यामध्ये प्रगल्भताच नाही त्याच्या नादाला कुठे लागतं लांडगे साहेब? आता काय करणार? आता ओरिजिनल व्हिडिओ समोर आला, आता काय करणार? माझे माफी मागणार? माझी त्यांनी माफी मागावी माझी अशी इच्छा पण नाहीये. पण म्हणजे जे नेते दुसऱ्या पक्षाचे लगेच उड्या मारत उल्हासनगरला गेले, जणू काय जितेंद्र आव्हाड सापडला, आता पकडा. काय झालं, नागडे झालात? सर उल्हासनगर में आपके भाषण के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरी सच्चाई उसके अंदर जिस तरीके से मीटिंग? देखो मैंने जिस बात पे वो वीडियो वायरल हुआ है अगर मैं वो शब्द का इस्तेमाल करता तो वहां पे पूरी मीडिया थी वो शब्द को लेके, उसी आधे घंटे में मेरे मेरा सब कुछ धो डालते हो. ये दूसरे दिन शाम को ये वीडियो निकला, वो किसने निकाला ये भी मुझे पता है. पर पुलिस ने जब ये केस ली तब उधर जो टेपिंग करने वाले मौजूद थे उनसे ओरिजिनल टेप क्यों नहीं मंगाई? क्यों नहीं ओरिजिनल टेप सुनी? ये देखो, सुनो ओरिजिनल टेप. एक शेर की शिकार करने के लिए 100 जंगली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कहा है.
तो अभी अभी पुलिस ने उसकी जांच करनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में जो लोग आए थे वीडियो लेके, उन्होंने वीडियो कहां से लाया? कल हमारे इधर से थाना से कुछ नेता लोग उदी मार मार के उल्लासनगर पहुंचे, फिर अभी हमारे सिंधी कॉलोनी में कोपरी में मीटिंग ली, मेरे नाम के ऊपर फुली मार दी। लोगों को गुमराह करके जितेंद्र आव्हाड को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई सामने आती है। ये तो 24 घंटे में आ गई। तुम कितने मूर्ख हो, समाज में तुम्हारी मूर्खता सामने आ गई। बड़े बड़े नेताओं का फोन है पुलिस स्टेशन में, केस रजिस्टर करो, पुलिस कमिश्नर को फोन है बड़े बड़े नेताओं के, केस रजिस्टर करो। अब क्या, मेरा सवाल है, अब क्या जितेंद्र आव्हाड को कहीं ना कहीं कभी ना कभी दबोच के रखो, उसको डरा के रखो, उधर एक केस बनाओ। और सब झूठ, 356 का झूठ, वो मारामारी का केस झूठ, अभी जो चार्जशीट डाली झूठ, ऐसी ऐसी चीजें चार्जशीट में डाली है कि जो 3 साल में कभी दिखी ही नहीं। वो अब मैं नहीं बात करूंगा, वो आएगी सामने, सबके सामने आएगी कि किसने किसको कोपरी में बुला के 5 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था, सब टेपिंग मेरे पास है। ऐसा खेल अच्छा नहीं होता है, इसमें बचपना दिखता है। पुलिस बताती है ना किसका किसका फोन आया था, कौन से मंत्री ने फोन किया था, पुलिस बता देती है। सब क्या करे, प्रेशर था, इसका फोन आया था, उसका फोन आया था। मैं उन फोन करने वाले मंत्रियों को भी बोलता हूं, अरे भाई जरा इससे ऊपर आओ, व्यक्तिगत दुश्मनी से कुछ नहीं होता है। थाना में 400 करोड़ रुपए का निधि देते हैं और मेरा 10 करोड़ का निधि जो मैंने लाया था मेरी सरकार के जमाने का, वो कैंसिल करवा देते हैं। इतनी तो इनकी नीयत खराब है। मैंने कलवा मुमरा के लिए 10 करोड़ रुपए का निधि लाया था, इनके आमदारों को अभी 400 और 500 करोड़ रुपए का निधि दे रहे हैं। मेरा निधि आया था 22 अप्रैल में, जब इनका मंत्रिमंडल भी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरा खारिज कर दिया। अरे इतना कम छोटा हृदय मत करो यार, जरा दिल को बड़ा करो। ये केस करने के लिए बचपने का काम करते हो, फोन करते हो पुलिस कमिश्नर को, बचपना चालू है यार, ये राजनीति है क्या? कोपरी में जिस तरीके से कल मीटिंग हुई, आपके विधायकी को लेके भी रद्द करनी। अरे ये अभी क्या बोलेंगे, अभी सच्चाई सामने आया है। बोलो, अभी बोलो जाके कोपरी में, जिन्होंने मीटिंग में मेरी आमदार की का इस्तीफा मांगा था उनको पूछो सच्चाई क्या। अब आ गई सामने, अब आपका क्या कहना है? एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।